आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम की और जिसका नाम है कैरोसेल। कैरोसेल जो होते हैं वो एक तरीके का इंस्टाग्राम पर जो हम पोस्ट डालते हैं उसको डिजाइन करने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर एक सेम एलिमेंट या फिर सेम डिजाइन सारे पोस्ट के अंदर होता है, तो इसे हम एक कैरोसेल कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये पहले समझेंगे कि कैरोसेल होता क्या है, देन उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं और देन फिर हम उसको कैसे पोस्ट करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो सबसे पहले तो कैरोसेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक इमेज नहीं है बल्कि ये बहुत सारी इमेजेस हैं जो कि जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन होता है कि आप एक ही पोस्ट में एक से ज़्यादा इमेजेस डाल सकते हो। तो यहाँ पर वो जितनी भी जो इमेजेस हैं वो क्या है, एक ही डिजाइन में एक ही थीम में बनी हुई है। जैसे सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन आ गई वो यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव योर UI डिजाइन्स। देन उसके बाद में हम एक एक पॉइंट को एक एक पिक्चर पर हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक और मैं बहुत ही अच्छा कैरोसेल आपको दिखाती हूँ, ये रैंडम मुझे पेज मिला सो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो देखोगे आप तो टॉप 5 बुक्स मेक्स यू रिच इन अ फ्यू ईयर्स। फिर जैसे ही आपको अब जैसे ये बुक्स है ना, ये यहाँ पर हाफ कट रही है, लेकिन वो बाकी का हाफ कहाँ है, वो बाकी का हाफ है इधर दूसरे वाले मतलब पिक्चर में। फिर उसके बाद में ये वाली एक इमेज है, तो आप देखोगे तो ये जो इमेज है ये यहाँ पर आ गई और इस वाली इमेज को नेक्स्ट आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब एक ही एलिमेंट एक इमेज से दूसरी इमेज में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कैरोसेल का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है कैरोसेल बनाने का, और मैं कहूँगी सबसे जो सही तरीका वो ऐसा ही है। लेकिन आप ये इस तरीके से भी सेम ही थीम को रख के भी कैरोसेल डिजाइन कर सकते हो। अब इससे होता क्या है कि कई बार सिर्फ एक क्रिएटिव पर हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ऑडियंस को वो नहीं दे पाते, ठीक है। वैसे तो वीडियो ज़्यादा बेस्ट वे टू एंगेज विथ योर ऑडियंस, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप उनको देना चाहते हो, जो कम्युनिकेशन के साथ करना चाहते हो वो करने का, बट स्टिल अगर आप इमेजेस के थ्रू करना चाहते हो और एक क्रिएटिव पर बहुत सारा एलिमेंट आपका नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप डालने की कोशिश भी करोगे तो वो बिल्कुल एक पैम्पलेट जैसा फीलिंग देगा, वो आप नहीं चाहते। तो ऐसे में इस तरीके से आप जो है अपने कैरोसेल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है, तो देखो सबसे तो इसका समझते हैं कि ये एक नॉर्मल पोस्ट की तरह है, लेकिन ये भले ही एक पोस्ट है लेकिन इसमें अलग अलग इमेजेस हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हम स्क्वायर कैरोसेल से चालू करेंगे। स्क्वायर जो हमारा इमेज साइज होता है इंस्टाग्राम पर जो हम पोस्ट करते हैं उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 1080, ठीक है, 1080x1080 स्क्वायर साइज का। लेट्स से अपना 4 से स्टार्ट करते हैं, आप उसको कितना भी आप जो है आगे बढ़ा सकते हो, 5 इमेजेस कर सकते हो, 10 इमेजेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम 10 अलाउड होता है, ठीक है। सो 4 से अगर मैं शुरू करती हूँ तो 1080x1080 की मुझे 4 इमेजेस चाहिए, चारों पर सेम ही थीम चाहिए। तो अब मैं जो उन चारों इमेजेस हैं उनको मैं अलग अलग नहीं डिज़ाइन कर सकती, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वैसे आप कर सकते हो, आपका मतलब लाइक इतने अगर आपको लगता है कि इतना मैं कर सकता हूँ मैनेज और इजीली मेरे से हो जाएगा, 4 इमेजेस अलग अलग डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कीजिए। बट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। अब 1080 का 4 टाइम्स क्या होता है, ठीक है, दैट वुड बी अराउंड 4320, तो आपकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 4320 1080 का 4 टाइम्स, और जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगी ना। अब जैसे ये वाला जो अपन एग्जांपल लिया, हाइट तो इनकी सबकी सेम ही है ना, बस जो विड्थ है वो जितनी भी आपको इमेजेस लेनी है उसके टाइम्स मतलब उतने टाइम्स हो जाएगी। तो मैं क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करूंगी, मैं यहाँ पर कैनवा यूज कर रही हूँ, कस्टम साइज में जाऊंगी, विड्थ में यहाँ पर लेने जा रही हूँ 4320, दैट इज 1080 का 4 टाइम्स। अगर आप यही चीज पोर्ट्रेट में बना रहे हो तो पोर्ट्रेट में जो विड्थ होती है, वैसे पोर्ट्रेट में जो विड्थ होती है 1080 ही होती है, लेकिन मान लो लेट से आप 1920 वाला ले रहे हो तो 1920 का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप जो है मेकश्योर कर सकते हो। हाइट कितनी होगी, हाइट वही होगी 1080। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन पर, तो अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक स्ट्राइप की तरह इस तरह से आ गया है, और इस स्ट्राइप को हम कितने में डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको 4 पार्ट्स में। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जैसे यहाँ पर स्केल आ गया है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आपको इस तरह से स्केल नहीं आ रहा ना तो आप 5 पर क्लिक करके भी शो रूलर्स एंड गाइड्स को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से ऐसे आप एक्सपेंड करोगे ना तो आपको ये ऐसे रूलर मिलेगा। तो अब मैं इसको 1080 मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो 1080 पर मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है, ये का यहाँ कट कर दिया, एक और 1080 का डबल होगा
2160, ठीक है, तो 2160 पर मैं कट मार देती हूँ. एक कट 1080 का थ्री टाइम्स कितना हो जाएगा, 3240, ठीक है. तो 3240 पर हम लगा देते हैं एक कट. ओके, सो अब देखो ये हमने चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अभी ये यहाँ पर रूलर आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन भी लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है. अब आप जैसे अपना कह सकते हो, अब जो आप अपनी इमेजेस बनाना चाहते हो, क्रिएटिव बनाना चाहते हो, डेफिनेटली बनाइए, ठीक है. तो हम जैसे कुछ ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है, दैट इज 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर कुछ जो है जैसे हेल्थ से रिलेटेड या फिर हेल्दी से रिलेटेड कुछ जो है मैं यहाँ पर एलिमेंट्स जैसे लगाऊंगी, और एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो कि मैं चाहूंगी कि एक इमेज से दूसरी इमेज में जो है इस तरह से ट्रांसफर हो जाए. तो देखते हैं अपन को क्या मिलता है. तो देखिए जैसे मैंने ये एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, और इस एलिमेंट को मैं ड्रैग करूंगी एकदम ऐसे कि ये फर्स्ट और सेकेंड इमेज के बीच में है. सो इसको मैं यहाँ पर कहीं सेट कर देती हूँ, ठीक है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है, जो दोनों में ही जो है, दोनों इमेजेस में जब ये बीच में से कट होगी इमेज, तो ये दोनों ही इमेजेस में रहेगा. देखते हैं हम क्या बना पाते हैं. और उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर कि ये जो हेल्दी हैबिट्स लिखा हुआ है, इसके पीछे जो स्ट्राइप है, इसको मैं ऐसे एक्सपैंड कर रही हूँ, मतलब सारी इमेजेस में, सो दैट यहाँ पर मैं जो भी हैबिट्स के बारे में जिनकी बात कर रही हूँ वो सारी आ जाए, ठीक है. तो लेट्स से हम क्या बना पाते हैं. फिर उसके साथ में ये एक छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि मैं हर एक इमेज में इस तरह से लगा रही हूँ, सो दैट ये दोनों इमेजेस में जो है आगे जो है फॉलो अप हो जाए. तो ये आप देख सकते हो मैंने ये यहाँ पर रेडी कर लिया है, मतलब मैंने ये तीन हैबिट्स डाल दी हैं, लेकिन मुझे तीन और चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 लिखा है. अब यहाँ पर अगर आप 3 हैं तो ठीक ही है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि इसका ना एज इट इज डुप्लीकेट पेजेस बना सकते हो, और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो. और ये जो फर्स्ट वाली इमेज होगी ना, जब ये कट होगी तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी इमेज यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ पर एडिट कर लेती हूँ डुप्लीकेट पेजेस करके. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कराउजल है ये यहाँ पर इस तरह से रेडी हो गया है, ठीक है. अब मैंने ये क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अभी मुझे इसको कट करना है और देन इसको अपलोड करना है. तो इसको पहले कट करने के लिए मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है. चलिए इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं, दोनों ही इमेजेस को, ठीक है. तो अब मैं इमेज स्प्लिट करने के लिए वही वाला टूल यूज कर रही हूँ जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने इंस्टाग्राम थीम्स की बात की थी. इस टूल का नाम है imgonline.com.ua. इसमें कट फोटो इनटू पीसेस वाला ये जो पेज है यहाँ पर आपको मिल जाएगा. नॉर्मली आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा. अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी जो फाइल है उसको अपलोड करना है. तो सबसे पहले मैं जो मेरी इमेज थी उसको मैं अपलोड कर देती हूँ. तो एक एक करके इमेज अपलोड करेंगे. जैसे ये इमेज अपलोड हो गई, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने जो विड्थ के पार्ट कितने करने हैं. तो देखो हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, वो करना है हाइट में तो एक ही पार्ट करना है, ठीक है. सो 4 और 1 का ये यहाँ पर रेशो हो जाएगा. स्क्वायर पार्ट्स करने हैं तो हाँ बिल्कुल इंस्टाग्राम के लिए करने हैं, स्क्वायर पार्ट करने हैं, ठीक है. एंड उसके अलावा जो है जेपीजी फॉर्मेट में मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है. और जो क्वालिटी है उसको मैं 100 कर देती हूँ एकदम. ये करने के बाद में हम जो है इसको ओके कर देंगे. तो चलिए अब इमेजेस को इनको सबको जो है हम सेव कर लेते हैं जल्दी से. वैसे ये वाला जो सेम स्टेप है ना, ये फोटोशॉप से भी कर सकते हो आप अपने, तो आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है उसको भी आप बता सकते हो कि आपको जो है इस तरह की इमेजेस चाहिए इस थीम के साथ में, जिसे हम कराउसल कहते हैं, ठीक है. अभी मैंने ये एक इमेज डाली है, अब मैं सेम जो टूल है उसमें कोई दूसरी इमेज भी डाल लेती हूँ जो मेरी दो पार्ट्स में मैंने क्योंकि इमेज बनाई है अपनी. तो दूसरी इमेज अपलोड कर देते हैं जल्दी से. इसको भी सेम 4x1 में, ठीक है, स्क्वायर को इनेबल कर रखा है. अब इसमें जो फर्स्ट वाली इमेज है उसको तो मैं डाउनलोड करूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट इमेज मेरे पास आ चुकी है. मैं सेकंड वाली इमेज को कर लेती हूँ. सो ये हमारी सारी इमेजेस जो है डाउनलोड हो चुकी हैं. अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और इसको अपलोड करना है. देखो अपलोड करने का सेम नॉर्मल पोस्ट की तरह आप इसको अपलोड करना है, लेकिन जब आप ये ऐड सेक्शन पर क्लिक करो, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर में कर रही हूँ, और ये जो मेरी इमेज है तो सबसे पहले मैं ये पार्ट वन ये वाली सेलेक्ट करूंगी. उसके बाद में जो सबसे पहले मैंने इमेज डाउनलोड करी थी उसको सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में करी थी उसको सबसे लास्ट में ऐसे सेलेक्ट करके और मैं इसे ओपन करूंगी. जब मैं इस तरह से ओपन करूंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इवन आप जो इसका ऑर्डर है वो यहाँ से भी ठीक कर सकते हो, ठीक है. तो ये जो मेरे ग्राउजल हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं. एंड अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके, और इनको जैसे आप नॉर्मली फिल्टरिंग वगैरह करते हो वैसे आप कर सकते हो. कैप्शन वगैरह आपको लिखना है और इसको शेयर कर देना है, ठीक है. तो अभी तो मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि कैसे कैप्शन लिखना है, कैसे हैशटैग्स लगाने हैं, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है. तो अब हमारा पोस्ट जो है वो शेयर हो चुका है, देख लेते हैं इसको एक बार. तो देखिए इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऐसा लग रहा है कि
एक ही जो मतलब इमेज है ना वो ही आगे रोटेट हो रही है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब इसको आप फोन में देखोगे ना, जिन्होंने भी मेरा ये वाला अकाउंट फॉलो कर रखा है वो देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैं आपको करके बता रही हूँ वो आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। तो आप फोन पर जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही इमेज है जो आगे एक्सपैंड हो रही है। तो इसे ही हम क्राउजल कहते हैं। इसमें अब आप बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। इसको आप देखिए, इसको आप समझिए कि और क्या क्या डिजाइन यहाँ पर लोग बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। और उसी के साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी अभी चीजें आनी बाकी हैं जहां पर हम बात करेंगे अबाउट इंस्टाग्राम की ग्रोथ के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।